सो एक्सरसाइज 6.1 लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ फिर एक्सरसाइज करते हैं। मीडियन उसको बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी साइड का मिड पॉइंट सामने के वर्टेक्स को जब जोड़ते हैं तो उस सेगमेंट को हम लोग मीडियन बोलते हैं, और अगर हम लोग किसी वर्टेक्स से सामने के साइड पे अगर परपेंडिकुलर निकालते हैं तो इस सेगमेंट को हम लोग अल्टीट्यूड या फिर हाइट बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमको दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। मैं अलग से निकाल रहा हूँ जानबूझ के यही ट्रायंगल, उसमें से मैंने सिर्फ ये एक जो एम वाली लाइन है ना उसको मैंने मिटा दिया, नहीं है अभी फिलहाल यही निकाला सर, ये वाले हिस्से को मैंने मिटा दिया। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर ये पी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट को जो सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो दैट इज अ मीडियन। तो इसका मतलब व्हाट इज पी डी, पी डी इज अ, हाँ यस, पी डी इज अ मीडियन, बराबर। इसका रीजन मुझे लिखना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पी डी इज अ मीडियन तो हमको उसके सामने उसका रीजन लिखना होता है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते, तो मार्क कट जाएगा। क्यों ये मीडियन है, क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट था। तो मिड पॉइंट को जब सामने के वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो बनता है मीडियन, तो इसलिए यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है इसका क्यू आर का। कन्फ्यूजन सेकंड था पी एम क्या है। अब मैं फिर से वही ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, अब इस बार मैंने पी डी वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ, उसी ट्रायंगल में मैंने अब इस बार पी एम निकाला है। जब किसी वर्टेक्स से सामने के साइड पे परपेंडिकुलर निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सेगमेंट को अल्टीट्यूड बोलते हैं। सो इसका मतलब हमारा जो पहला आंसर था पी एम इज, पी एम इज एन अल्टीट्यूड। अब इसका रीजन हमने क्या लिखा होता, क्योंकि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला मेरे को परपेंडिकुलर है, डायग्राम में देखो साइन करके दिया है कि नहीं, ये साइन किस चीज़ का है, परपेंडिकुलर का साइन है। अगर मैं ऐसा साइन निकालता हूँ तो दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो क्या है, अल्टीट्यूड। डाउट सेकंड इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। तो क्यू एम और एम आर ये दो चीज़ें इक्वल है क्या, क्यू एम और एम आर ये इक्वल नहीं है, एम मिड पॉइंट थोड़ी है, है ना, वो इक्वल नहीं। क्या इक्वल है, क्यू डी इज इक्वल टू डी आर, डी मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों ने आंसर लिखा होता नो क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर, क्यों, क्योंकि एम जो है इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। करेक्ट, डाउट है कुछ पक्का, ओके चलो आगे बढ़े, क्लियर ना। आओ सौमिक महाराज कहाँ थे, चलो सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग, रफ डायग्राम निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन, तो मैं एक ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेता हूँ, कैसे भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी मैंने निकाल लिया। अब उसमें जहाँ पे आपको नाम देना है ए बी सी कहीं भी दे सकते हो, मैंने ऐसे दे दिया, और मीडियन कौन सा है, बी ई, मतलब बी से मुझे निकालना पड़ेगा सामने वाले साइड का, लेना पड़ेगा मिड पॉइंट, और जो मिड पॉइंट को जब मैं जोड़ूंगा सामने का वर्टेक्स तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ये हो गया हमारा मीडियन। बस ये कैसे पता चलेगा आप कि ये मिड पॉइंट है, टीचर को कैसे हम लोग बताएंगे, डायग्राम बना के जब दिखाएंगे तो ये टीचर को कैसे पता चलेगा कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, उसके लिए हमको आइडेंटिकल मार्क करने पड़ेंगे। हम लोग ऐसा मार्क करेंगे यहाँ पे सेम यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि जितना ए ई है उतना ही सी ई है, इसका मतलब क्या हो गया, ई इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, हम लोगों ने लिखा ई इज मिड पॉइंट ऑफ
सेगमेंट ए सी, देयरफोर सेगमेंट बी ई इज अ मीडियन। डाउट है? हाँ नहीं नहीं अंदाज से लेना है, अंदाज से लेना है, लेकिन अंदाज से लेते वक्त भी थोड़ा सा जब कोई देखेगा, अब ट्रायंगल अगर मैंने ऐसे बनाया, अंदाज से ही लेना है, लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं देना है, देखते बराबर ही पता चल जाएगा मिड पॉइंट नहीं है, तो अंदाज से ही लेना, गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदाज से थोड़ा बीच में दिखना चाहिए, कोई गिनने नहीं वाला था। सर डायग्राम वाले अपना मार्क कराया नहीं है, पिक्चर करें जैसा। यस मार्क करना है, मार्क करने से पता चल जाता है कि दिस ए ई इज इक्वल टू सी ई, और हम लोगों ने लिख भी दिया कि भैया ये जो है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को सामने के वर्टेक्स से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मीडियन बन जाएगा। क्लियर? चलो उसमें से ही सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू और पी आर आर अल्टीट्यूड्स है, पी क्यू और पी आर ये दोनों ही अल्टीट्यूड है इस बार। तो अब देखो, अब पी क्यू और पी आर है ना, कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो P को लेना पड़ेगा यहाँ, बाकी Q और R को मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने अब Q यहाँ ले लिया, R यहाँ ले लिया, देखो तो PQ भी अल्टीट्यूड हो गया, जो 90 डिग्री करता है उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, और PR भी अल्टीट्यूड हो गया, तो दोनों ही अल्टीट्यूड हो। डाउट है पक्का? तो अगर PQ ऐसे अल्टीट्यूड बोलते हैं, देखो अलग भी क्वेश्चन हो सकता था, ऐसे भी बोल सकते थे ए डी एंड बी ई आर अल्टीट्यूड्स, ए डी एंड बी ई आर अल्टीट्यूड्स, अगर ऐसे बोलते तो हम लोग डायग्राम एकदम अलग तरीके से निकालते। हम लोग क्या करते, एक सादी एक डायग्राम निकालते, मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, ये लिखा ए बी सी, अब एक अल्टीट्यूड क्या बोली है उन्होंने ए डी, तो मैं ए से लेके एक परपेंडिकुलर निकालता सीधा, ये तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मिड पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं है अपने को, ये हो गया ए डी मेरा अल्टीट्यूड, दूसरा कौन सा है बी ई, तो बी से एक अल्टीट्यूड मैं निकालता, अंदाज से अपने को पता चलता है कि हम लोगों ने जो एंगल बनाया 90 का है कि नहीं है ना, ये हो गया दूसरा अल्टीट्यूड। तो देखिए मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्टीट्यूड अगर है, हम लोग ऐसा तिरछा निकालेंगे तो अपने को मार्क नहीं मिलेंगे, अल्टीट्यूड है तो सीधा अपने को दिखना चाहिए कि 90 डिग्री कर रहा है, ठीक है। डाउट हो? सर अपन मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट मीडियन को बोलते हैं, अगर मीडियन को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ते हैं तो उसको मीडियन बोलते हैं, हमको मीडियन नहीं निकालना है, अल्टीट्यूड निकालने को बोलना है, तो अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री करने वाला सेगमेंट, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री, हाँ ये बी वाला भी हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटेरियर ऑफ ट्रायंगल। कल हम लोगों ने देखा था अल्टीट्यूड बाहर किस ट्रायंगल में बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बनता है, तो अगर बाहर बनाना है ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो एक बना लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और कौन सा वाला बाहर है वाई एल, तो मुझे वाई यहां लेना पड़ेगा, मतलब वाई मैंने बाहर ले लिया, अब यहां से जो अल्टीट्यूड बनेगा, अब यहाँ से मैं अल्टीट्यूड बनाता हूँ तो बाहर ही जाएगा, क्योंकि अल्टीट्यूड तो सीधा ही आने वाला है, यहाँ से निकाल लिया मैंने सेगमेंट, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया वाई एल, इस पॉइंट का नाम क्या है एल, इस पॉइंट का नाम हो गया एल, मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई एल इज एन अल्टीट्यूड ऑन, बेस कौन सा है, नहीं हाँ एग्जैक्ट, यस यस वेरी गुड, हाँ एग्जैक्ट करेक्ट सेगमेंट। ओके डाउट है किसी को, कुछ पूछना है बेटा, क्लियर? चलो आगे बढ़ते, वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल कैन बी सेम।
अगर आइसोस्केलेटन एंगल हमारा है, देखो मैंने आइसोस्केलेटन एंगल निकाला है क्या, 10.2 10.2 और ये 7.3, मतलब आइसोस्केलेटन है ना, दो साइड इक्वल, तो आइसोस्केलेटन एंगल, ठीक है। अब इसमें अगर मैं निकालता हूँ अल्टीट्यूड, उन्होंने क्या बोला है कि मीडियन अल्टीट्यूड सेम ही रहता है क्या, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब मैं एक अल्टीट्यूड निकाल देता हूँ, 90 डिग्री वाली लाइन में निकाल रहा हूँ, तो 90 डिग्री की लाइन मैंने निकाली, क्या बोल रहे हो बेटा, हाँ। अब मैं चेक करता हूँ कि भैया ये जितना है, अब ये मेरा ट्रायंगल है, ये मैंने खुद 90 डिग्री का तो बना लिया था, है ना, ये मैंने खुद 90 डिग्री का एंगल तो मैंने खुद ही बनाया हुआ है, मुझे ये चेक करना है कि ये मिड पॉइंट भी है क्या। तो अब मैं काम करता हूँ स्केल लगा के गिन सकता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ, आ गया मेरा कंपास, एक दो एमएम का फर्क इधर उधर चलता है बेटा, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना डिस्टेंस है 3.5, थोड़ा और इधर करना पड़ेगा, यस, कितना डिस्टेंस था 3.5, ठीक है। अब इसको मैंने और थोड़ा ले लिया, अरे भाई आग नहीं निकलना है, इसको खींच लिया इधर, करीब करीब कितना डिस्टेंस है, इसका मतलब आया इक्वल इक्वल, तो इसका मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है वही हमारा मीडियन भी है। तो ये हम लोगों ने जब अल्टीट्यूड निकाला तो वही हमारा मीडियन भी आ गया, बराबर। लेकिन ये हर डायग्राम में नहीं बनेगा, और इस वर्टेक्स से अगर निकालूंगा तो नहीं बनेगा। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, ये वाला जो दूसरा वर्टेक्स अपना है, यहाँ से निकालूंगा तो परपेंडिकुलर इधर आएगा, ये दो इक्वल पार्ट बनेंगे नहीं, देख के ही पता चलता है, ऊपर वाला बड़ा पार्ट है नीचे वाला छोटा पार्ट, नहीं बनेगा, ठीक है। सो आइसोस्केलेटन एंगल में जब हम लोग ऊपर के वर्टेक्स से जब बेस पे परपेंडिकुलर निकालते हैं तो वही अल्टीट्यूड मीडियन रहता है, बाकी अगर मैं यहाँ से बी से निकालूंगा तो वो अल्टीट्यूड मीडियन नहीं रहेगा, सी से भी निकालूंगा तो अल्टीट्यूड अलग रहेगा, मीडियन अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इन एन आइसोस्केलेटन एंगल अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑन बेस इज ऑल्सो अ मीडियन, सिर्फ यहीं से आने वाला, बाकी नहीं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से अपना नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बताने के पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वॉट इज मीन्ड बाय इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। अभी हम लोगों ने एक ट्रायंगल निकाला, अब ये ट्रायंगल के ये तीन वर्टेक्स हैं हमारे, बराबर, ए बी और सी। ये जो एंगल वन है, एंगल टू है और एंगल थ्री है, इनको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर के एंगल, ठीक है। अब अगर मैं किसी भी एक वर्टेक्स पे, मान लो मैंने ऐसे, मैं क्लॉकवाइज निकालना स्टार्ट करता हूँ, क्या क्लॉकवाइज निकालना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने एक सेगमेंट इसको बढ़ा दिया, देख ये वाली सेगमेंट जो थी ना उसको बढ़ा दिया, ठीक है, इसको बढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं किसको बढ़ाऊँगा, इसको बढ़ा दिया, इसके बाद किसको बढ़ाऊँगा, सी बी को बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो एंगल है, एंगल वन, वन टू थ्री यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे दिया नंबर फोर, यहाँ पे दिया नंबर सिक्स और यहाँ पे दिया नंबर फाइव, तो मुझे बताओ एंगल वन और फोर कौन से टाइप के एंगल्स है,
वेरी गुड, ये जिसको आएगा उसके लिए क्वेश्चंस आसान है। ये देखो ये जो है ये कौन से टाइप के एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, और ये जो है जो दो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बनती है उनको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, उनका एडिशन होता है 180 डिग्री। ठीक है, डाउट है? तो अब ये जो एंगल 4 है वो अंदर के एंगल के साथ लीनियर पेयर कर रहा है क्या? वैसे ही यहाँ का ये जो एंगल 5 है वो 3 वाले के साथ लीनियर पेयर कर रहा है क्या? यहाँ का 6 जो है वो अंदर के साथ लीनियर पेयर कर रहा है क्या? तो जो भी एंगल ट्रेंगल के बाहर का एंगल अंदर वाले एंगल के साथ लीनियर पेयर करेगा वो ही एक्सटीरियर एंगल रहेगा। जो एंगल अंदर के एंगल के साथ लीनियर पेयर करता है, जो एंगल बाहर है ट्रेंगल के बाहर है लेकिन जो अंदर वाले के साथ लीनियर पेयर करता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब जैसे देखो, मान लो मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाई है, एक ऐसी डायग्राम बनाई, अब ये मेरा एक ट्रेंगल है ए बी सी, ये मेरा अंदर का एंगल है ना, 1 2 3 इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ये एंगल 4, इसको दिया नंबर 5, इसको दिया नंबर 6। अब मुझे बताओ कि अंदर वाले के साथ लीनियर पेयर करने वाले एंगल कौन से है इसमें 4 5 और 6 में से? 4 एंड 6। 5 कौन सा कर रहा है कि 5 और 1 कौन से टाइप का हो गया? वर्टिकली अपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टेक्स x में कितने एक्सटीरियर एंगल है? 2। कौन से कौन से? 4 एंड 6। 5 को हम लोग एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलते, जो अंदर वाले के साथ लीनियर पेयर करेगा वही एक्सटीरियर एंगल होगा। डाउट है? तो इसका मतलब हर एक वर्टेक्स पे कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे? दो बनेंगे। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे भी 2 एक्सटीरियर एंगल बने, ये बना, वैसे यहाँ पे भी 2 बने, ये और ये, तो कुल मिला के ट्रायंगल को कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं? फिर 6 रहते हैं, 2 पहले वर्टेक्स पे, 2 दूसरे वर्टेक्स पे, 2 तीसरे वर्टेक्स पे, तो टोटल एक्सटीरियर एंगल हुए 6। डाउट है? अब चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है उन्होंने, फिर आगे देखते हैं और बताऊंगा कुछ। सो पहला क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर अ ट्रायंगल इन मेनी वेज, 3 ऑफ देम आर शोन हियर। ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, सोचो। पहली डायग्राम, अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी, इस एंगल को नंबर 1 देता हूँ, बाहर वाले को 2, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना। इस डायग्राम में भी अगर ये मेरा एंगल 3 है और ये 4 है तो एक्सटीरियर है ना, ठीक है। ये अगर मेरा एंगल 5 है, ये 6 है, तो एक्सटीरियर है ना, ठीक। देयर आर 3 मोर वेज ऑफ गेटिंग एक्सटीरियर एंगल, ट्राई टू प्रोड्यूस दोज रफ स्केचेस, और 3 तरीके से बना के दिखाओ। तो बना के दिखा सकते हैं क्या हम लोग? क्या करेंगे, एक ट्रायंगल निकाल लेता हूँ अभी, इस बार हम लोग उनको एक ही इसमें 2 एक्सटीरियर एंगल बना के दिखा देते हैं। उन्होंने एक वर्टेक्स पे एक ही निकाला था, हम दिखा देते हैं कि ये जो एंगल 1 है इसके साथ 2 भी एक्सटीरियर है और 3 भी एक्सटीरियर है, ठीक है। ये एक बना के दिखा दिया, और भी बना के दिखा सकते हैं। दूसरा मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ बना लिया ऐसे, ये भी एक्सटीरियर है ना, ऐसा उन्होंने बनाया नहीं था, ठीक है। और एक बना लेते हैं, इधर चढ़ा लिया मैंने इस तरफ, नहीं इधर उन्होंने किया हुआ था ऑलरेडी, है ना। कैसे भी निकालना है, कहीं पे भी निकालो एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरफ बढ़ा देता हूँ, ये भी एक्सटीरियर एंगल है क्या? क्लियर? जमेगा? कोई डाउट है? पक्का? तो ये एक अपना डायग्राम हो गया, ये एक अपना डायग्राम हो गया, ये एक अपना डायग्राम, ठीक है, ओके। थोड़ा ध्यान अपने बोर्ड पे ही दो बेटा, इधर उधर मत। आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल? क्वेश्चन का मतलब क्या है, कौन बताएगा क्वेश्चन का मतलब?
बताओ कोई क्वेश्चन का मतलब। यस आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स, मतलब हर एक वर्टेक्स पे बने हुए एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है क्या, ऐसा सवाल। तीन वर्टेक्स है, मैंने तीन एक्सटीरियर एंगल बनाया हुआ है। अब ये अगर 40 है तो सोमिक ये कौन से टाइप का रहेगा, ये दोनों का क्या रिलेशन है एक दूसरे से, लीनियर पेयर है। तो ये अगर 40 है तो ये कितने का रहेगा सर, 140। वेरी गुड, है ना। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है तो एडिशन 180 होता है। 40 बोला, अरे झंडुआ, दो एंगल का एडिशन 180 होता है। 40 बोला कि 140 सर, तूने बोला कितना था, 40 मतलब सर, 40 वो तो दोस्त है तेरा, वो तो वही कुछ बोलेगा ही नहीं बेचारा। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर ये एंगल 40 का है तो लीनियर पेयर निकलता है 180 में से माइनस कर, तो ये मिल गया 140। अब ये अगर 80 का है तो फिर ये कितने का रहेगा, कोई भी बता दो, 100। अब देखो फिर दोनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल आए क्या, फिर नहीं आया। इस वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आया, 140 का आया। एट वर्टेक्स सी एक्सटीरियर एंगल इज 140 and at vertex A exterior angle is 100। ठीक है, अब अगर ये एंगल 80 डिग्री का है, दूसरा 40 का है, तो तीसरा कितने का रहेगा बता सकते हो, सारे एंगल ऐड करके कितना आता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। ओके, ट्रायंगल के सारे एंगल को ऐड करके 180 आता है, अंदर के एंगल की बात कर रहा हूँ। सो ये 80 और 40 मिला के कितना हुआ, 120 हुआ। तो 120 में से 120 को माइनस कर दिया, सिर्फ 60 डिग्री। तो एंगल कितने का है, 60 का है। ठीक है, अब ये 60 और ये कौन से टाइप के हैं, तो ये कितने डिग्री का रहेगा, 120। आप देखो तो फिर तीनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल है कि अलग अलग है, 140, 100, 120 सेम है क्या, नहीं है। तो सवाल वही था कि सारे एक्सटीरियर एंगल जो अलग अलग वर्टेक्स पे बनते हैं वो इक्वल रहते हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, बोलो बेटा। अरे बाप रे, ये कौन से टाइप के एंगल है बेटा, अपोजिट है क्या, इसीलिए नहीं आ रहा है अपने को, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं बेटा। और जो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बनती है वो लीनियर पेयर होता है, उनको ऐड करके 180 आता है। तो अब अगर उसमें से एक एंगल 60 का होगा तो दूसरा निकालने के लिए क्या करना होता है, 180 में से उसको माइनस करना होता है। तो 180 में से 60 माइनस किया तो 120 आया। ठीक है, तो अब सवाल का जवाब हमारे क्या है कि सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल है क्या, नहीं है ना। सो नो एक्सटीरियर एंगल्स formed at each vertex of a triangle are not equal। वो कब इक्वल होंगे कोई बता सकता है, हाँ। Yes, very good। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ये एंगल कितने का है, 60 का, ये कितने का है, 60 का, ये कितने का है, 60 का, तो एक्सटीरियर कितने का बनेगा, एक ही एंगल 180 का। अरे मेरे भाई, ये दो ऐड करके 180 आना चाहिए, तो ये 120 का रहेगा। यहाँ बनाऊंगा तो कितने का आएगा, 120। यहाँ बनाऊंगा तो कितने का आएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल तभी इक्वल रहेंगे अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट इक्वल बट they are equal if it is a equilateral triangle।
बट दे आर इक्वल. सुन भाई दिमाग कितना सही चलता है, बहुत बढ़िया. बट दे आर इक्वल ओनली इफ इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अभी एक चीज सोचो बेटा, दो हमारे पास डायग्राम्स हैं, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल थे, एक था 100 का, दूसरा 140 का, तीसरा 120 का, ऐड करके कितना आता है देखो, 360. इक्विलेटरल के तीनों एक्सटीरियर एंगल कितने के थे, 120 थे, है ना, तीनों ही 120 है ना, ऐड करके कितना आया. इसका मतलब कि कोई भी ट्रायंगल हो, सारे एक्सटीरियर एंगल, अंदर के नहीं, अंदर के एंगल को ऐड करके ट्रायंगल का कितना आता है एडिशन, 180 आता है अंदर के एंगल, लेकिन एक्सटीरियर एंगल ऐड करेंगे तो एडिशन कितना रहेगा, 360. और ये 360 सिर्फ ट्रायंगल को नहीं रहता, कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर चार साइड वाला भी पॉलीगॉन है, तो अगर मैं चार एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा, ये पहला, दूसरा यहाँ पे एक निकाल लिया, तीसरा यहाँ एक निकाल लिया, चौथा, तो इन चार को ऐड करके भी मेरा आंसर आएगा 360. कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो, चार वाला हो, पांच वाला हो, छह वाला हो, ठीक है, ये अपने को फिलहाल नहीं है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, अपने को आठवीं में है साइड, ठीक है, अभी नहीं बताता हूँ उसको ज़्यादा. चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तो जवाब भी आ जाएगा, मतलब समझ में आना चाहिए. तो मतलब कौन बताएगा, सोमित कुमार मतलब बताओ तो क्या है. तो मैंने सब कुछ हिंट यहाँ पे दे दिया, ऑलरेडी फिगर में सब आ गया. एक्सटीरियर एंगल का सम आई कि नहीं, हाँ तो सम कितनी है कि नहीं कितना है. हाँ मतलब यहाँ पे नाम बता सकते हो कौन से एंगल की सम की बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे नाम कौन से दिए मैंने उसको, एक्स और वाई. एक्स है अपना इंटीरियर और वाई है एक्सटीरियर, है ना. इंटीरियर एंगल तीन होते हैं ना, ये एक्स है, एक ये है और एक ये है. तो बाहर का एंगल का एडजेसेंट वाला कौन सा है, एडजेसेंट मतलब जो लग गया है उसको. तो इन दोनों के बारे में क्या बोल सकते हो, इनका सम कितना होता है, कितना होता है एक्स और वाई का सम, 180 होता है. क्यों सर, लीनियर पेयर को हम लोगों को वही लिखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. रीजन क्या है उसका, क्योंकि वो कौन से टाइप के एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर. हमने डायग्राम भी बना के दिखा दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या रहता है, पहले मैं वो आप लोगों को बता दूं. अगर मान लो मैंने ऐसा कोई एक ट्रायंगल निकाला हुआ है और यहाँ पे ये एक मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाला, इसको दिया नंबर वन, ये हुआ नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर. ओके, सो अंदर के एंगल कौन से हैं बेटा, आप लोग उस वाले एंगल के अंदर क्या है, टू थ्री फोर, ठीक है. वन इज एक्सटीरियर, अब उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है, फोर है, बराबर ना, उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल फोर है. तो जो बाकी के दो है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल. उसको जो लग के एंगल था अंदर वाला, उसके वो इंटीरियर अपोजिट एंगल. दोनों ही इंटीरियर है लेकिन इसके अपोजिट, ठीक है, कंफ्यूजन.
तो अब सवाल क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन दो एंगल के बारे में क्या बोल सकते हो अगर एक्सटीरियर एंगल कैसा है, राइट एंगल है, अगर एक्सटीरियर एंगल राइट एंगल है तो इनके बारे में क्या बोल सकते हो। मैंने अभी तक आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो अभी बता रहा हूँ पहले बार। देखो कि अगर इसको थोड़ा सा इसमें से थोड़ा पार्ट मिटा देता हूँ, एंगल वन इज एन एक्सटीरियर एंगल, एंगल फोर इज एन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर तीनों ही हैं, दो तीन और चार, लेकिन एडजेसेंट इंटीरियर कौन सा है, फोर। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एंगल टू एंड एंगल थ्री आर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की, कि वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो बाहर का एंगल होता है ना, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के एडिशन के इतना होता है। मतलब ये एंगल, अगर एंगल टू अगर 50 डिग्री का है और एंगल थ्री अगर 60 डिग्री का है, तो एंगल वन कितना रहेगा, 50 प्लस 60 रहेगा। सो एंगल वन की कीमत आएगी 110। दूसरा डायग्राम, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्स नाम दिया मैंने इसको, वाई दिया, जेड दिया, डब्ल्यू दिया। एक्स जो है वो एक्सटीरियर एंगल है क्या, उसके दूर के दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, दूर के जेड और डब्ल्यू है। तो ये x जो रहेगा वो किसके एडिशन के इतना रहेगा, z और w के एडिशन के इतना रहेगा। ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कुछ डाउट है यहाँ पे सर, जो 2 और 3 है थे वो छे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। यस, कि द एक दूसरे छे पर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। हाँ, बोल सकते हो कि 3 का इंटीरियर अपोजिट, लेकिन इंटीरियर अपोजिट तब बोलते हैं जब जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी कोई बना हो। अब अगर यहाँ पे कोई एक्सटीरियर एंगल है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो इसका इंटीरियर अपोजिट मैं ये वाला बोलूँगा और ये वाला बोलूँगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं एक्सटीरियर एंगल ही नहीं बना है, तो फिर मैं इसका इंटीरियर अपोजिट कहाँ से बोलूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं उन्होंने जो क्वेश्चन बोला था उसका आंसर। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर, मैं वो प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ पहले। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब सोचो, उन्होंने बोला है कि एक्सटीरियर एंगल कैसा है, व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल। ठीक, तो मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूँ जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल अपना राइट एंगल आना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल बना दिया राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल। अब मैंने इसको दे दिया नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और यह है नंबर फोर। अब एंगल फोर जो है वो किसके एडिशन के इतना रहेगा, बराबर। फोर कितने डिग्री का है, 90, क्वेश्चन में दिया है ना। एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है करके, राइट एंगल है बोला है, 90 डिग्री का है। मतलब एंगल वन और टू को ऐड करके कितना आने वाला है, 90। तो सवाल क्या था, व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इन दो एंगल के बारे में क्या बोल सकते हैं अगर इनको ऐड करके 90 आता है, तो इसका मतलब ये दोनों कौन से टाइप के एंगल है, दोनों ही राइट एंगल है। तो दोनों ऐड करके 90 कैसे आएगा, दोनों ही राइट एंगल है। तो किसी दो एंगल को ऐड करके 90 आता है, तो दो एंगल कौन से होने चाहिए,
कॉम्प्लीमेंट्री है, बराबर है, लेकिन वो कौन से टाइप के एंगल है? इंटीरियर। देखो मैं एंगल्स के टाइप बताता हूँ। एक्यूट एंगल होता है जो 90 से छोटा होता है, राइट एंगल होता है उसको 90 बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से 180 के बीच वाला होता है। तो ये कौन से है? सर ऑब्ट्यूस। अच्छा, मतलब 90 से बड़े है क्या दोनों? एक्यूट रहेंगे ना दोनों ही, 90 से छोटे रहेंगे तभी तो ऐड करके 90 आएगा। क्यों मैडम, बराबर नहीं है? अगर दोनों एंगल 90 से बड़े रहेंगे तो ऐड करके 90 कहाँ से आएगा? सोचो आप, आ सकता है क्या? नहीं ना। अगर दो संख्या का एडिशन 90 आता है इसका मतलब दोनों की ही कीमत 90 से छोटी होनी चाहिए ना, बराबर ना? सो व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स? बोथ विल बी एक्यूट एंगल्स। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल एंड वन एंड एंगल टू विल बी एक्यूट एंगल्स एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है क्या? हाँ, इनको ऐड करके 90 आ रहा है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी है और दोनों एक्यूट एंगल भी है। डाउट है? सेकंड, अभी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, तो मैं दूसरा डायग्राम एक निकाल लेता हूँ जिसमें एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल निकाल रहा हूँ। काम करता हूँ, इसको यही रहने देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, तो मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकाल लेता हूँ बेटा। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है ना? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए ऐसे उन्होंने बोला है। तो अगर मैं ये निकालूंगा एक्सटीरियर, तो ये ऑब्ट्यूस है क्या? फिर वो तो एक्यूट है, तो गलत हो गया डायग्राम मेरा, है ना? तो फिर एक्सटीरियर एंगल मुझे अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो इसका मतलब मुझे जो ट्रायंगल निकालना चाहिए वो इस तरीके से निकालना चाहिए कि अब जब मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो वो बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो बना क्या ऑब्ट्यूस एंगल, ये है ऑब्ट्यूस एंगल है कि नहीं है? हाँ, वो भी ऑब्ट्यूस ही रहता है, ये भी ऑब्ट्यूस ही है। हाँ, यहाँ पे निकालते तो बिल्कुल ऑब्ट्यूस रहता है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं ये डायग्राम भी निकाल सकता हूँ, और ये अगर मैंने पहले वाली निकाली है तो ये वर्टेक्स भी ले सकता हूँ। बहुत सही, क्लियर? चलो, तो अब मैं कौन सी डायग्राम रखूँ, छोटी वाली बड़ी वाली? बड़ी वाली रखूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, चलो, तो अब मुझे लेकिन एक्सटीरियर एंगल दूसरी जगह निकालना पड़ेगा, है ना? ये तो एक्सटीरियर एंगल नहीं है, मतलब एक्सटीरियर है लेकिन ऑब्ट्यूस नहीं है। अपने को कैसा एक्सटीरियर एंगल चाहिए? ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूस। अब ये हमारा एक्स है, ये जो एंगल है वो कौन से दो एंगल के एडिशन के इतना रहेगा? टू एंड थ्री, बराबर ना? एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री। अब अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है, दो मिनट के लिए पकड़ लो ऑब्ट्यूस एंगल है तो 100 डिग्री है, ठीक है? 100 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, तो दो मिनट के लिए पकड़ लेते हैं ये 100 डिग्री है करके, तो फिर इन दोनों को ऐड करके इसका मतलब कितना आने वाला है? 100 आएगा ना इसका मतलब कि नहीं आएगा ना? पक्का? तो अब ये टू एंड थ्री, इसके बारे में हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं? उन्होंने वही अपना लास्ट क्वेश्चन में भी वही सवाल था, इस बार हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल रह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। इस फिगर में तो है, दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि दोनों ही एक्यूट हो। कैसे हो सकता है? एक 50 का है, एक 60 का है, ऐड करके कितना आया? हो सकता है, बराबर ना? पॉसिबल है? ओके,
तो फिर अब आंसर क्या लिखेंगे कि 2 एंड 3 ऐड करके 110 आएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं कि इफ एन एक्सटीरियर एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल देन सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स विल ऑल्सो बी मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल इसका मतलब उनका भी एडिशन 90 डिग्री से बड़ा ही रहेगा। अब हो सकता है कि उसमें कभी एक एंगल एक्यूट हो और एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अपने एक एंगल ऑब्ट्यूस है और एक एंगल एक्यूट, पॉसिबल डाउट? अच्छा महावन ऑब्ट्यूसच राहिला पाहिजे असं वाटते का? चलो देख ले, कोई बात नहीं। चलो अगर ये ऑब्ट्यूस है 120, सारे एंगल को ऐड करके कितना आता है? 180 आता है। तो 180 में से ये तो 120 है तो चला गया, फिर बाकी के दो एंगल को ऐड करके कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो फिर दोनों ही एंगल 90 से छोटे ही रहेंगे कि एक आधा बड़ा भी हो सकता है? छोटे ही रहेंगे। तो एक्यूटी वो, अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा होता है तो बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे ही रहेंगे। किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल रह ही नहीं सकता, नहीं तो सोचो कैसे हो सकता है। अगर दो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, दोनों ही 100-100 डिग्री के, तो दो ही एंगल का एडिशन 200 हो गया, तीनों एंगल को ऐड करके 180 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो दो ही एंगल का एडिशन 200 हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है, बाकी के फिर एक्यूट ही रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उसमें से एक बचा हुआ था लास्ट। एन एक्यूट एंगल, हाँ, एक्सटीरियर एंगल इज एन एक्यूट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। तो अभी जैसे डायग्राम बनाया था, मैं फिर से वैसे ही एक डायग्राम बना लेता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल इज एक्यूट। दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल एक्स, एक्यूट एंगल है कि नहीं है? X is acute angle or not? अरे मेरे भाई, अगर ऐसी लाइन निकालेंगे तो 90 रहेगा, तो फिर अगर ये लाइन इस डंडी के इस तरफ जाएगी तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये लाइन इस डंडी के इस तरफ आएगी तो 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल बनेगा। क्लियर? तो अब ये एक्यूट एंगल है। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से है? 1, 2 और 3 में से कौन से है? 1 एंड 2। अब देखो, अगर ये एक्यूट है तो फिर ये 3 कौन सा है? अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो बचे हुए कौन से रहते हैं? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एंगल एक्स इज एन एक्यूट एंगल, अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था ना एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल, और एंगल एक्स जो है वो किसके एडिशन के इतना है? 1+2। इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही एक्यूट ही होने चाहिए ना, क्योंकि एडिशन उसका एक्यूट है, तो दोनों एंगल 90 से छोटे ही होने चाहिए, बराबर ना? सो देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्सो एक्यूट एंगल्स। सवाल था, कैन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? हाँ, रह सकता है ना। कैसा एग्जांपल बताओ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बताओ ना। गलत तो गलत उसमें क्या है, सही तो सही, इट्स ओके। आपको जो लगता है थोड़ा सा सोचा होगा ना, उसको बताओ क्या सोचा होगा। हाँ सर, में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर, खालचा साइड, वरच्या खालचा
तो स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे भी बन रही है एक्स और वाई। नहीं नहीं नहीं, अकेला एंगल, कैन द एक्सटीरियर एंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? सिर्फ एक्सटीरियर एंगल स्ट्रेट एंगल हो सकता है क्या? ऐसा सवाल है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा है? वाई, वो स्ट्रेट एंगल बन सकता है क्या? ऐसा सवाल। अब मुझे बताओ ये एक्स कौन सा एंगल है, वाई कौन सा है, दोनों ऐड करके कितना आता है? मतलब दोनों ऐड करके स्ट्रेट एंगल बनता है। तो अब ये अकेला स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? जब ये एक्स एंगल कितने का होगा, बराबर है ना? सोचो, अभी मान लो यहाँ पे एक एंगल एक्स जो है वो 60 डिग्री का है, एक्स 60 डिग्री, तो वाई कितना है फिर? सोच के बता दिया हो यार, ऐसे मत बोलते हो कुछ। कितना एक्स अगर 60 का है तो वाई कितना है? 120। लीनियर पेयर है ना, 180 में से माइनस करेंगे ना, सो 180 में से 60 गया, वाई कितना आया? 120 आया। हेलो, हाँ, हो, अगर एक्स की वैल्यू है, अंदर वाला एंगल अगर अंदर का एंगल है मान लो 30 डिग्री, तो फिर ये वाई कितना आएगा? 150। मतलब ये देखो, ये बड़ा कब होते जा रहा है? जब अंदर का एंगल छोटा होते जा रहा है। अब अगर मान लो ये वाला एंगल मेरा सिर्फ है 1 डिग्री का, तो ये कितना होगा? 179 होगा। इसका मतलब ये दो ऐड करके 180 आता है। अब ये एंगल कभी जीरो का बन सकता है क्या? जीरो का कैसे बनेगा? अगर वो जीरो बन गया तो मैं तो ट्रायंगल भी नहीं निकल पाऊंगा, कैसे ट्रायंगल निकलेगा? और फिर क्या दो एंगल को ऐड करके ही 180 आएगा? तीसरा तो जीरो है है ना? तो इसका मतलब कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? नो। ओके, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज 180, सो ओनली वन एंगल कैन नॉट बी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख के देता हूँ। पहले हम लोग लिखेंगे नो, ओनली द एक्सटीरियर एंगल cannot be a straight angle as sum of exterior and, ये वाले एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? एडजेसेंट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री एज दे फॉर्म, कौन सी जोड़ी? एज दे फॉर्म लीनियर पेयर। तो दो एंगल को ऐड करके अगर 180 आ रहा है, तो सिर्फ एक एंगल कैसे 180 है? क्लियर डाउट? अगला क्वेश्चन, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो है वो 70 डिग्री का है। चलो एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं 70 डिग्री का। इसमें बनेगा क्या एक्सटीरियर एंगल 70 का? नहीं बनेगा। मैडम तुम्हारा घायला गाड़ी आली का पहात एकदा? फोन कर दो। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बना लिया 70 डिग्री का, एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज ऑफ मेजर 25 डिग्री। इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब कौन सा लू मैं? ए लू, सी लू कि बी लू? यस, वेरी गुड। या तो ए ले सकता हूँ या तो सी ले सकता हूँ। इंटीरियर अपोजिट एंगल बी नहीं है, बी कौन सा है? एडजेसेंट इंटीरियर है, चिपक के इंटीरियर, दूर वाला इंटीरियर नहीं है।
ठीक है, अपने को इंटीरियर अपोजिट बोला है। अब फिर से एक बार सवाल, एन एक्सटीरियर एंगल इज 70 डिग्री, वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑफ 25 डिग्री, तो मैं या तो ए को 25 ले सकता हूँ या सी को ले सकता हूँ। मैंने सी को ले लिया अपनी मर्जी से, किसी को भी ले सकते हो ए और सी में से। हाँ, अब सवाल क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये एंगल निकालना है। तो मैंने क्या किया होता, मैंने लिखा होता कि एंगल ए और सी मिला के कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए ना। क्यों, क्या रीज़न है इसका, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। डाउट है क्या बेटा, कुछ पक्का तो बोल। ये सो एंगल ए कितना है अपने को पता नहीं, सी कितना है 25, यहाँ तक ओके है, क्लियर। अब ये ए निकालना है तो 25 इधर जाएगा तो प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। देखो दो एंगल को ऐड करके अगर 70 आ रहा है, उसमें से अगर अपने को एक पता है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 70 में से माइनस करेंगे। ठीक, तो अपना आंसर आया एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। डाउट है सोनी अनन्या मैडम, डाउट नहीं है कि समझा नहीं है, चेहरा देखते तो मेरे को समझा ऐसे लग नहीं रहा है, समझा नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है कुछ बता सकते हो क्या। देखो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसमें से मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इस फिगर में, बताओ वन, उसके दूर के दो इंटीरियर एंगल कौन से है बताओ। ठीक है, तो वो जो एंगल होता है, ये दूर के इंटीरियर एंगल का एडिशन इतना होता है। अब एक हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बोला था एक्सटीरियर एंगल कितना है 70, इंटीरियर अपोजिट एंगल में से एक एंगल कितना है 25, दूसरा कितना है निकालना है। तो ए और सी मिला के 70 आना चाहिए क्या, तो मैंने लिखा ए और सी मिला के आएगा 70। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क कटेंगे। ठीक है, ए और सी मिला के 70 आना चाहिए। अब उसमें से अगर एक कीमत 25 है तो दूसरी कीमत कैसे निकलेगी, 70 में से 25 माइनस करके निकलेगी, बराबर है क्या। अगर आपके और आपके बहन के पास मिला के 100 रुपये, दोनों के पास मिला के 100 रुपये, उसमें से आपके बहन के पास 70 रुपये, तो आपके पास कितने हुए, तो आपने तो जादू कर डाला। दोनों मिला के 100 रुपये है, बहन के पास 70 है, तो आपके पास कितने हुए, कहाँ से मिला, 100 में से 70 को माइनस किया। तो यहाँ पे दो एंगल ऐड करके 70 आ रहा है, उसमें से एक एंगल 25 है, तो दूसरा निकालना है, तो क्या करेंगे 70 में से 25 को माइनस करेंगे। क्लियर, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन से एंगल दिए हैं डायग्राम में से। ठीक है, तो कौन बताएगा, डायग्राम मैंने बना लिया, कौन बताएगा कि इसमें से कौन से एंगल दिए है, तो स्पीड ब्रेकर बन गया। चलो ठीक, ये एक्स ले लिया मैंने, इसको ले लिया वाई, इसको ले लिया जेड और इसको ले लिया डब्ल्यू। ठीक है, अब इसमें कौन से एंगल दिया है और कौन सा निकालना है, कौन बताएगा। ए और बी मतलब वाई और जेड गिवन है, ठीक है, और निकालना कौन सा है, नहीं एक्सटीरियर मतलब कौन सा, एक्स निकालना है, है ना। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 60 एंड 80, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल दिया है 60 एंड 80, किसी को भी एक को 60 लो एक को 80 लो, और निकालना कौन सा है एक्स। तो कितना आसान है, एंगल एक्स कैसे मिलने वाला है, वाई और जेड को ऐड करके, बराबर ना। तो वाई कितने का है 80 का, जेड कितने का है 60 का, ऐड कर दिया कितना आया 140, हो गया क्वेश्चन खत्म,
सिंपल, लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो मार्क कटेगा। तो लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या लिखूं, इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। फिर उसके बाद ये करना है, डाउट दिमाग में जा रहा है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है, जा रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम कॉमेंट, कुछ गलत है क्या बताओ। मैं काम करता हूँ, इसको नंबर नाम देता हूँ, ये एंगल एक्स है हमारा, वाई है, ये एंगल जेड है। अनन्या कुछ गलत लग रहा है तुमको कि सब सही है? सब सही है सोमी, हाँ नहीं समझ में आया क्या बोलूँ, तो है सुन, कुछ गलत लग रहा है? नहीं लग रहा है, सब बराबर लग रहा है। अक्षर है मैडम, सब ठीक है, किताबों ने छापा तो बराबर ही छापा होगा ना, क्या गलत है? वहाँ पे वैल्यू लिखना है, जो है लिखा हुआ उसमें कुछ गलत है, जो नहीं लिखा उसको भूल जाओ, जो वैल्यूज लिखा है उसमें कुछ गलत है, क्या गलत है? एक नंबर नहीं दिया, अब मैं दे देता हूँ उसको। अब सब सही है क्या? yes, अब सब सही हो गया क्या बात? 50 हो गया, ये भी 50 होना चाहिए, अब सही हो गया। फिर अब क्या, 50 हो गया, फिर 80 पाई थी, कौन सा वाला, ये अंदर वाला। रुक तो सर, मैं 2 मिनट रुक तो जा, देखते तो मज़ा आता है ना थोड़ा। हाँ ये अंदर वाला 80 चाहिए क्या? अच्छा अंदर वाला 180 करूँ? एक कुछ बता दिया हो यार, 30 है। पहले तो मैंने 30 सीखा था, अंदर का 30 करूँ क्या? चलो ठीक, अब ठीक है क्या? फिर अंदर का 30 कर दिया, अब ओके है सब कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, घंटू क्वेश्चन है। चलो सनमय को ये आ रहा है सिर्फ, बाकी किसी के खोपड़ी में कुछ नहीं घुसा है, सब भूसा भरा हुआ है ना। सनमय के खोपड़ी में घुसा, बाकी के खोपड़ी में भूसा। चल बोल भाई, क्या बोल रहा है, किया कुछ? 2 मिनट रुक जाओ। हाँ तो संजय भाई बताओ तो क्या गलत है इसमें? अरे अगर ये दो अंदर के एंगल है, हाँ अगर ये दोनों एंगल अंदर के एंगल है तो सोचो कि इनका जब एडिशन करेंगे, इनका जब एडिशन करेंगे तो इसके यहाँ पे एडिशन नहीं आना चाहिए क्या? अभी तक हम लोगों ने ऐसे ही नहीं किए क्या क्वेश्चन? भूल गए क्या तुम लोग कि यहाँ का जो एंगल होता है ये इन दोनों के एंगल के एडिशन के इतना होता है ना? अभी यही किए ना सब लोग, 2-3 क्वेश्चन जो किए कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के एडिशन के इतना रहता है। तो अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये किस खुशी में 50 रहेगा या 100 नहीं रहेगा? समझ में आया? अब अगर ये एंगल हमको दिया होता इधर वाला 60, इधर वाला 50, तो फिर अनन्या ये कितने का बनता? 100। इस बार 10 रुपए का झोल नहीं किया आपने, बराबर है, ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये अगर 2 50 है तो ये कितने का होना चाहिए था? 10 का होना चाहिए था। तो इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम, यस। तो क्या रॉन्ग है कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज नॉट इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल का एडिशन एक्सटीरियर एंगल के इतना नहीं दिया है, इट शुड हैव बीन कितना होना चाहिए था? इट शुड हैव बीन 100 degrees। कंफ्यूजन क्लियर सोमिक? ओके